सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग में मैं पटेल रोशन आरा अनवर हुसैन MCGM वर्चुअल क्लास में आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। ऑनलाइन एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाठशालाएं बंद है, लेकिन अध्ययन अध्यापन का कार्य जारी रहेगा। तो चलिए आगे चलते हैं हम हिंदी सुगम भारती इयत्ता पांचवी का हम 13वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं, बोलो और जानो। बच्चों, यहाँ आपको चित्र नजर आ रहे हैं। क्या है ये? कुत्ता। एक बार फिर बोलेंगे, 2 से 3 बार आपको कहना है कुत्ता। इस शब्द को अपनी मातृभाषा में क्या कहते हैं? तो उसे भी कुत्ता कहते हैं, मगर दोनों लिखे अलग अलग जाते हैं। ठीक है, अगर कुत्ता हमारे निकट है, हमारे करीब है, जैसे अब ये अगर हमारे करीब है तो हम कहेंगे यह कुत्ता है, और ये हमसे दूर है, निकट नहीं है दूर है, तो हम इसे कहेंगे वह कुत्ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यह गुब्बारे हैं। यह क्या है? गुब्बारे। एक अगर होगा तो गुब्बारा, एक से ज्यादा है तो गुब्बारे। तो बच्चों, मातृभाषा में भी इसे गुब्बारा ही कहते हैं। अब ये गुब्बारे अगर हमारे निकट हैं, जैसे यहाँ हैं, तो हम कहेंगे यह गुब्बारे हैं, और अगर ये हमसे दूर हैं तो हम कहेंगे वह गुब्बारे हैं। तो एक बार फिर कहिए, गुब्बारे, गुब्बारा। नेक्स्ट, यह घर है। चित्र में देखिए घर, हमारे साथ कहेंगे आप घर, घर। यह घर है। यहाँ आप देखेंगे मातृभाषा में इसे कहते हैं मकान, और इंग्लिश में अगर हमें कहना है तो हाउस। इस तरह यह घर है। अगर ये घर हमसे दूर है तो हम कहेंगे वह घर है। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। चित्र में क्या नज़र आ रहा है? बस्ता, ब आधा स ता, बस्ता। तमाम बच्चों के पास बस्ता है। आपको स्कूल से भी बस्ता दिया जाता है, जिसमें आप क्या सामग्री रखते हैं देख सकते हैं आप। यहाँ पर पुस्तक है, कलर पेन है, पेंसिल है, इस तरह से हम इसमें रखते हैं। हमारे साथ फिर एक बार कहेंगे बस्ता। बस्ता को मातृभाषा में कहेंगे हम दफ्तर। क्या कहेंगे? दफ्तर। एक बार फिर दोहराइए, बस्ता, दफ्तर। चलिए आगे का चित्र देखते हैं। बेला, आपने देखा होगा बेला, इसे मातृभाषा में कहते हैं मोगरा। क्या कहते हैं इसे? मोगरा। यह है बेला, और मातृभाषा में यहाँ लिखा गया है मोगरा। आपने ये फूल के बने गजरे हार देखे होंगे, इसकी सुगंध बहुत अच्छी होती है, इसलिए अक्सर त्योहारों पर, शादियों में इसके बने फूल हार जो है वो उसका उपयोग किया जाता है, बेला। चलिए आगे चलते हैं। यह अमरूद है। यहाँ आप देख सकते हैं अमरूद का चित्र दिया गया है, आपने ज़रूर खाया होगा, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। यह अमरूद है। एक बार फिर हमारे साथ कहेंगे आप लोग अमरूद, अमरूद। इसे मातृभाषा में भी कहते हैं अमरूद। तो बच्चों, इसका नियमित रूप से आप अगर सेवन करते हैं तो आपको कब्ज की जो समस्या है वो नहीं होगी, और साथ ही
अगर इनकी पत्तियों का आप सेवन करते हैं तो मुंह में छाले जो हैं वो दूर हो जाते हैं। साथ साथ इसका नियमित रूप से अगर हमने सेवन किया तो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसका स्तर जो है वो नियंत्रित रहता है। आगे चलते हैं। विद्यालय क्या है, ये लिखा है विद्यालय। विद्यालय ये यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, विद्यालय जहाँ पर बच्चे अध्ययन करते हैं, जहाँ पर शिक्षक जो है वो अध्यापन करते हैं, और इस तरह से अध्ययन अध्यापन का कार्य यहाँ पर चलता है, जहाँ पर ज्ञान विज्ञान की बहुत सारी बातें हम सीखते हैं। तो यह विद्यालय है जिसे मातृभाषा में मदरसा कहते हैं। विद्यालय यह उड़न्त अश्तरी है। चित्र में आप देख सकते हैं उड़न्त अश्तरी, क्या लिखा है उड़न्त अश्तरी, जिसे मातृभाषा में भी उड़न्त अश्तरी कहते हैं उर्दू में। बच्चों यहाँ हम जानेंगे कि अज्ञात आकाशयान एक प्रकार की रहस्यमय तश्तरी या थाल के आकार की वस्तु है जो आकाश में उड़ती नज़र आती है, जिसे उड़न थाल या फ्लाइंग सॉसर भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यह गुड़िया है, सभी बच्चे जानते हैं यह गुड़िया है, इसे मातृभाषा में भी गुड़िया कहा जाता है। छोटे बच्चे गुड़िया से खेलना बहुत पसंद करते हैं, इसे इंग्लिश में हम डॉल कहेंगे। ये क्या है गुड़िया। आगे चलते हैं हम। पुस्तक यह क्या है पुस्तक, ये हमारे निकट अगर है तो हम कहेंगे यह पुस्तक है, और अगर हमसे दूर है तो हम कहेंगे वह पुस्तक है। चलिए आगे। अलमारी क्या है, ये चित्र में आप देख सकते हैं यह अलमारी है, हम निकट से अगर कहेंगे तो यह क्या है अलमारी है, और अगर हम दूर से बता रहे हैं तो ये क्या है वह अलमारी है। यहाँ मातृभाषा में भी इसे हम अलमारी कहते हैं। चलिए आगे। यह और वह का उपयोग करके हमें वाक्य कहना है। वह पेड़ है, यहाँ देखिए बच्चा जो है बालक जो है वो वृक्ष से दूर खड़ा है, पेड़ से दूर खड़ा है, वह पेड़ है। अब ये किताब जो है हाथ में है, यह किताब है, क्या है ये किताब है। आगे वह बादल है, दोहराइए हमारे साथ वह बादल है, क्या बादल निकट है नहीं दूर है, इसलिए बताया जा रहा है कि वह बादल है। लिफाफा किधर है हाथ में, तो हम कहेंगे इसे क्या कहेंगे इसको यह लिफाफा है। एक बार फिर कहिए यह लिफाफा है। आगे चलते हैं। अब हमारा गृह कार्य शुरू होता है, शब्द पढ़ो और चित्रों के नीचे उचित नाम लिखो। कोष्टक में दिया गया है बस्ता, यहाँ देखिए आप बस्ता, अलमारी, घर, बेला, गुब्बारा। एक बार फिर पढ़ते हैं बस्ता, अलमारी, घर, बेला, गुब्बारा। अब यहाँ पहला चित्र क्या है, कौन बताएगा, क्या आप बता सकते हैं ये क्या है। वेरी गुड, बेला। ये क्या है घर, घर, तो आपको इसके नीचे लिखना है घर। अब ये क्या है गुब्बारा, यहाँ लिखा है ये शब्द आपको गुब्बारे के नीचे लिख देना है। ये क्या नज़र आ रहा है अलमारी, क्या है ये अलमारी, तो इसके नीचे आप लिख देंगे अलमारी।
अब ये लिखा है बस्ता, क्या है ये? बस्ता, इसके नीचे आप लिखेंगे बस्ता। आगे चलते हैं, यहाँ भी कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं, उसे जो भी सही चित्र है उसके नीचे वो शब्दों को लिख देना है आपको। अब यहाँ क्या लिखा है? कुत्ता, पुस्तक, उड़न तश्तरी, अमरूद, गुड़िया। तो बच्चों हम पहले ही जान चुके हैं ये तमाम चीज़ों के नाम, तो यहाँ देखते हैं ये क्या है। गुड़िया, गुड़िया कहाँ लिखा है कोष्टक में? यहाँ गुड़िया। ये क्या है? यह अमरूद है। अमरूद कहाँ लिखा है? ये देखिए, अब आप उसको अमरूद के नीचे लिख दीजिए। अब ये क्या है? यह कुत्ता है। यह क्या है? कुत्ता है। तो आप यहाँ इसके नीचे उसका नाम लिखेंगे। यह क्या है? यह उड़न तश्तरी है। और ये क्या है? पुस्तक। यह पुस्तक है। देखो यहाँ लिखा है, आप यहाँ से देखिए और इसके नीचे लिख दीजिए। आगे चलते हैं बच्चों, निम्नलिखित वस्तुओं का नीचे दिए गए वाक्यों की तरह वाक्य में प्रयोग करके बताओ। यहाँ पर आपको उदाहरण दिया गया है, आपको अपने वाक्य में उसे क्या करना है? प्रयोग करके और वाक्य पूर्ण बनाना है। जैसे कुत्ता, कुत्ता एक प्राणी है। क्या है? कुत्ता एक प्राणी है। गुड़िया एक खिलौना है। उसी तरह साइकिल, साइकिल क्या है? साइकिल एक क्या है? यहाँ देखेंगे आप नीचे वाहन, नीचे दिया हुआ है वाहन। गुलाब, गुलाब क्या है? एक फूल है। इस तरह आपको वाक्य बनाना है। आई बात समझ में? इस तरह से आप ये वाक्य बनाएंगे, लिखेंगे स्वाक्षरों में और अपने टीचर से चेक भी करवाएंगे। आगे चलते हैं, अब आपको यहाँ पर पाठ में आए सभी शब्द दिए गए हैं जिसे आपको अपनी मातृभाषा में लिखना भी है, पढ़ना भी है और याद भी रखना है। अब यहाँ आप देख सकते हो अमरूद, जिसे उर्दू भाषा में अमरूद ही कहा जाता है। गुब्बारा, गुब्बारा। घर, मकान। क्या कहते हैं घर को? मकान। बस्ता, दफ्तर। बेला, मोगरा। ला आखिर में है गुड़िया, उसे मातृभाषा उर्दू में गुड़िया ही कहते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे अलमारी, जिसे उर्दू यानी हमारी मादरी जबान में हम अलमारी कहते हैं। उड़न तश्तरी, जिसे मादरी जबान में भी उड़न तश्तरी कहेंगे उर्दू में। विद्यालय, जिसे मदरसा भी कहते हैं, स्कूल भी कहा जाता है। कुत्ता, जिसे हम उर्दू में भी मातृभाषा में भी कुत्ता ही कहते हैं। पुस्तक, किताब। इस तरह से हमने जाना कि हिंदी के जो शब्द है उसे मातृभाषा में कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं। चलिए बच्चों, आज आपने बहुत कुछ समझा है, पढ़ा है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो सब आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों, जो भी आपको गृह कार्य दिया गया है उसे लिखिए, सुअक्षरों में लिखिए और 2 से 3 बार 4 बार उसे पढ़िए। अपने शिक्षकों से चेक करवाइए। प्यारे बच्चों, फिर हम आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना अध्ययन कार्य जारी रखिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद बच्चों। इस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन का बटन दबाना है ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है और वहाँ पर चंद अहम सवालात है। इसी के साथ साथ वहाँ पर एक गूगल फॉर्म दिया गया है ताकि आपके तासुरात को हम जान सके। इसके लिए आपको गूगल फॉर्म को पूरा फिल करना है और लास्ट में आखिर में सबमिट का बटन जो है तो आप लोगों को दबाना है।